स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी को कटेगी मार्च 2021 तक एक दिन का वेतन, जारी हुआ आदेश। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक लेटर जारी करके ये बताया गया कि सभी जो केंद्रीय कर्मचारी है, कौन कौन से केंद्रीय कर्मचारी है जिसका मार्च 2021 तक एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम उस लेटर के बारे में जानेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो को पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके द्वारा 17 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। इस सर्कुलर का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, डोनेशन ऑफ वन डे सैलरी टू पीएम केयर फंड। दोस्तों, इस लेटर का आप हम पढ़ के आपको बता रहे हैं, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अपील ऑल ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू टू कंट्रीब्यूट देयर वन डे सैलरी एवरी मंथ टिल मार्च 2021 टू द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, यानी पीएम केयर्स फंड, टू ऐड द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू फाइट द कोरोना वायरस पेंडेमिक। दोस्तों, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है, जो भी जितने भी ऑफिसर्स और स्टाफ है, उसका एक दिन का सैलरी वह मार्च 2021 तक पीएम केयर फंड में दिया जाएगा। और इसमें दूसरे पैरा में लिखा हुआ कि एनी ऑफिसर्स और स्टाफ हैविंग ऑब्जेक्शन टू इट में इंटीमेट ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर्स डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन राइटिंग मेंशंस हीज एंड हर एम्प्लॉय कोड लेटेस्ट बाई 20 अप्रैल 2020। दोस्तों, इसका मतलब है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, यदि आप उसके स्टाफ है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ड्राइंग ऑफिसर्स है, उसको इंटीमेशन आप 20 अप्रैल 2020 तक दे सकते हैं। दोस्तों, ये सर्कुलर अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ये निकाला है। लेकिन अगर दोस्तों, आप सबको पता है कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और क्या हालत अभी हो रखा है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जितने भी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा भी ये सर्कुलर निकाला जा सकता है ताकि जो पीएम केयर फंड है उसको बढ़ाया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।